गाइस ये ओप्पो A3s मॉडल है और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, साउंड जो है वो नहीं आ रहा है। तो एक बार रिंगटोन चेक करना चाहिए कि साउंड जो है प्रॉपर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फटा हुआ आवाज़ तो नहीं आ रहा। तो रिंगटोन चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, इसमें बिल्कुल भी जो है साउंड नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो टेस्टिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका स्पीकर कहाँ पे है ये चीज़ कंफर्म करना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो चार्जिंग सेक्शन के पास में स्पीकर है, तो स्पीकर पहले टेस्ट करना पड़ेगा ख़राब तो नहीं है। अब स्पीकर टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर से भी टेस्ट हो जाता है और डीसी मशीन से भी टेस्ट हो जाता है। तो इस स्पीकर को मैं डीसी मशीन से टेस्ट करूँगा। जो नए बिगे नहीं रहे वो अधिकतर इन नॉर्मल स्टेप्स में टेस्टिंग करने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली इनमें जो सप्लाई है उनमें कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो वीडियो में मैं क्लियरिटी बता दूंगा। फिलहाल ये स्पीयर के दो लेंथ देख रहे हो, ये दोनों लेंथ यहाँ जॉइंट होते हैं। तो ये प्रॉपर जॉइंट हो रखा है कि नहीं हो रखा है ये चीज़ कंफर्म करना पड़ता है हमें। तो इसमें ऐसा भी होता है कि पेज अगर प्रॉपर नहीं लगोगे तो भी साउंड नहीं आएगा, ये बेसिक चीज़ें है। तो पहले मल्टीमीटर से बजर के मोड पर लेकर स्पीकर के दोनों लेंथ पे ऐसे टच करेंगे तो अगर मल्टीमीटर में साउंड आता है तो स्पीकर सही माना जाएगा और टिक टिक आवाज़ भी आता है अगर बैटरी लगाओगे तो स्पीकर में। तो जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ स्पीकर में प्रॉब्लम नहीं है, साउंड प्रॉपर आ रहा है, तो स्पीकर सही है। तो अब हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा जो स्पीकर दो खूंटे जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक को ग्राउंड में रख के ऐसे चेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है, ओनली एक आ रहा है। और इस जगह पर चेक कर रहा हूँ कुछ भी। कनेक्शन आउट है। अब इसके Sorry, don't.